आज मैं अपने तीन दोस्तों के साथ आ चुका हूँ मेघालय, जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में लोकेटेड है। मेघालय को एबोड ऑफ क्लाउड्स भी कहा जाता है। यहाँ धुंध से ढके पहाड़, हरे भरे जंगल और दिल को छू लेने वाले झरने, ये नेचर लवर्स के लिए एक पैराडाइज है। आज का ऑन स्पॉट प्लान कुछ इस तरह का है। अभी हम पहुँच चुके हैं लाइटलूम कैनियन। अगर इसके बारे में बात करूँ तो ये मेघालय के रोसांग विलेज के पास लोकेटेड है एंड शिलोंग से अराउंड 24 किलोमीटर दूर है। इसकी लोकेशन एंड वैली व्यू की वजह से इसे द एंड ऑफ द हिल्स भी कहा जाता है। ठीक, चलो फिर इस जगह के व्यूज का आनंद उठाते हैं। जो एरिया है मीडो एरिया, ये कैनन पूरा यहाँ से ये स्टार्ट होता है जहाँ तक ये आपको रेलिंग दिख रही है। ये जाते हुए आगे से इस पहाड़ से वो वहाँ तक जाता है, पूरा एरिया है। तो इसको ऑलमोस्ट सारा मीडो एरिया ऐसे ही है, हर एक से व्यू पॉइंट के ही आपको दिखेगा कैनन, बहुत ही प्यारा है। तो मैं वहाँ तक तो जाऊँगा नहीं, बहुत टाइम है। हम इसके बाद और एक जगह जा रहे हैं, नोंगजांग, जहाँ पे सनराइज़ एंड सनसेट पॉइंट है। तो उसके बारे में हम बाद में बताएंगे जब आपको वीडियो दिखाएंगे, पर फिलहाल आप ये मीडो एरिया देखो। सो गाइज, हम यहाँ पे लाइटलूम में अभी करीबन एक घंटा रुक गए, थोड़ा व्यू एंजॉय किया। व्यू इतना खास आ नहीं था क्योंकि दोपहर हो चुकी है और थोड़ा फॉगी सा हो रखा है। ओवरऑल अच्छा था, अच्छी जगह है। यू कैन, इफ़ यू आर विजिटिंग टू मेघालय, दिस इज़ वन थिंग यू कैन स्पेंड सम टाइम फॉर। और जहाँ तक आपको मैं पार्किंग का बोलूँ, पार्किंग का 50 रुपीज़ लगता है और वहाँ पे एंट्री फीस पर पर्सन 20 रुपीज़ का है। और आपको छोटी मोटी स्टॉल्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप रिफ्रेशमेंट्स टाइप ले सकते हो, यहाँ पे भी है। और एक साइड इसके हॉर्स राइड्स वगैरह भी कराता है और उस साइड इट्स अ ब्यूटीफुली बिल्ट विद ट्रेलिंग्स एंड एवरीथिंग, आपने वीडियो पे देखा होगा। तो अभी हम जा रहे हैं लंच करने, यहाँ पे आगे ढाबा है, ढाबा में हम बैठेंगे, वहाँ पे लंच करेंगे, उसके बाद फिर हम निकलेंगे नोंगजांग के लिए। तो फिर चलो ढाबा तक। तो अभी हम पहुंच चुके हैं ये ढाबा, ढाबा का नाम है, ढाबा नहीं है एक्चुअली, कैफ़े है, सॉरी, दफीबा कैफ़े। सो इस कैफ़े का नाम है दफीबा कैफ़े, लेट्स गो। तो गाइज़ अभी हमने लंच कर लिया है, बहुत भूख लगी थी, अच्छे से लंच किया तगड़ा। तो हमारा बिल हुआ है एग्जैक्ट 1111 रुपीज़, 1111 का बिल हुआ है। काफ़ी देर रुक गए अभी हम, अब हम जा रहे हैं नॉर्थ जोन की तरफ। कोई गाड़ी स्टार्ट हो गई है, अब निकलते हैं हम यहाँ से। तो अभी हम पहुंच चुके हैं नोंगजांग, ये हमारा नोंगजांग विलेज है और वहाँ से आपका टिकट कटती है नोंगजांग व्यू पॉइंट के लिए। सनसेट तो हम यहीं से देख सकते हैं जहाँ पे भी हम होमस्टे देखने, सनराइज़ के लिए हम सुबह जाएंगे जो कि 5:30 बजे के आसपास सनराइज़ होगा और पूरा क्लाउड्स होता है। तो फिलहाल हम निकल गए होमस्टे देखने के लिए, मंजीत विकास आगे पीछे।
और ये आपका विलेज का थोड़ा सा वो। पहला होम स्टे में पूछा छोटे से रूम, मतलब घुसते ही बेड रखा हुआ है, डेड सेट 1200 रुपीज़ पर रूम बता रहे हैं। सो वाई गोइंग अहेड लुकिंग फॉर मोर होम स्टेज, देखते हैं कौन सा फिजिबल ऑप्शन लगता है, वही लेंगे। तभी तो है काफ़ी टाइम है सनसेट, अभी 1 ईयर सनसेट से पहले रूम ले ले, थोड़ा फ्रेश अप हो जाए एंड देन वी कैन लाइक वॉच द सनसेट पीसफुली। तो हम यहाँ पे आ गए, अभी फ्रेशन अप हो लिया हमने और सबने चेंज वेंज कर लिया, थोड़ा सा रेस्ट लिया 15-20 मिनट। अब हम क्योंकि शाम हो रही है, 5 बज गए और सनसेट होने वाला है, तो हम एक व्यू पॉइंट ढूंढने जा रहे थे जहाँ से हम सनसेट देख पाए, तो उसी के लिए अभी निकले हैं। चलो जैसे व्यू पॉइंट दिखता है आप लोग सनसेट भी दिखाते हैं और वहाँ के नज़ारे भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक भैया मिले, उन्होंने बोला है सनसेट पॉइंट है यहाँ से, तो चर्च की तरफ से ले जाके अलाउड नहीं है, लोकल के साथ आओगे तो अलाउड है, ठीक रास्ता है। तो सन उधर डूबने वाला है एंड वी आर गोइंग टू द सनसेट पॉइंट। सनसेट आपने देख लिया, बहुत प्यारा था, बहुत जल्दी चला गया और यहाँ का व्यू भी बहुत प्यारा है। और जो नीचे वो रिवर बह रही है ना, डेट इज़ उमगोत रिवर, तो यहाँ की जो मेघालय की रिवर है उमगोत, वो वहाँ से फ्लो कर रही है। सुबह हम सनराइज़ देखेंगे वहाँ से, सनराइज़ के टाइम पे पूरे यहाँ पे क्लाउड्स फॉर्मेशन हो जाती है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल टू वॉच। सो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि अभी ये व्यू पॉइंट में जहाँ आए थे यहाँ पे बस लोकल्स के साथ आपका अलाउड है, आप खुद नहीं आ सकते। सो देयर वाज़ अ लोकल देयर, सो ही केम। सो इट्स टाइम नाउ टू गो बैक, हम जा रहे हैं वापस और फिर आपको आगे का बताते हैं हम क्या करते हैं। सो गाइस रात के 9 बज चुके हैं और आंटी ने हमें खाने के लिए बुला लिया, भूख तो बहुत तेज लगी हम चारों को, तो अभी फटाफट खाना जा रहे हैं, ज्यादा बातें करूंगा नहीं आपको, सीधा डाइनिंग टेबल पे मिलते हैं। चलो खाना खा लिया हमने, बहुत ही टेस्टी खाना था और पेट बहुत ज़्यादा भर गया, बहुत भूख लग रही थी हमें। तो अभी कल सुबह हमें 4 बजे के आसपास यहाँ से निकलना है सनराइज़ देखने के लिए, तो अभी लगभग बजे 9:30, हम 15-20 मिनट में बस थोड़ा फ़ोन चला के ये बातें बातें करके फिर हम सो जाएंगे और सुबह फिर 4 बजे उठेंगे और फिर आप लोगों को भी सनराइज़ देखेंगे दिखाएंगे और हम भी सनराइज़ देखने जाएंगे। तो फिलहाल के लिए अभी मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ, गुड नाइट, मीट यू टुमारो मॉर्निंग।